सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। आज यार मैं बात करना चाहूंगा वन पीस मांगा चैप्टर 1044 के बारे में। वैसे मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करूंगा, प्लस अपने भी ओपिनियन दूंगा। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मेरे से पूछने वाले हैं, भाई तुमने स्पॉइलर पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। इसका एक रीजन है, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एक लेजेंडरी चैप्टर था। इसलिए नहीं कि यहाँ पर हमें लूफी का नया गियर देखने को मिलने वाला था, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर खुद ओडा ने अपने हाथों से ड्रॉ किया था, और भाई क्या कमाल का ड्राइंग किया। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे इसमें लूफी का जो नया फॉर्म है वो मुझे ज्यादा खास लगा नहीं, मुझे स्नेक मैन ज्यादा पसंद था। बट ये वाला फॉर्म यार पावर के मामले में लूफी का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, और फ्यूचर में हमें और ज्यादा वर्जन देखने को मिल सकते हैं। शायद मुझे लगता है नया गियर नहीं आएगा इसके बाद, पांच ही गियर शायद उड़ा रखने वाला है। इसके बाद हमें लूफी का नया पावर देखने को मिल सकता है, जैसे कि अवेकनिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे, भाई लूफी का ये अवेकनिंग है, पक्का तुम स्पॉइलर वाले हो। अगर तुम मांगा के स्पॉइलर ध्यान से रीड किए हो और चैप्टर को भी रीड किए हो, तुम्हें एक बात मालूम पड़ेगा, भाई स्पॉइलर, डिटेल वाले स्पॉइलर, रॉ स्कैन्स, उनमें जो चीजें लिखी थी ना और इसमें जो चीजें लिखी थी, बहुत सारी चीजें यार अलग हैं। अब मैं जरा और बात करना चाहूंगा लूफी का डेविल फ्रूट नेम चेंज, जहां पर बताया जाता है हितो हितो नोमी मॉडल निका, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, ये जब मैं पढ़ा था मैं खुद हैरान हो गया था। और हाँ, मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट हमें बताया गया, जो कि हैरान नहीं होना चाहिए। मैं हैरान था बिकॉज मुझे पहले लगता था कि पैरामीसिया ही निकलेगा, बट यार जोआन ठीक है, ओडा ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग आके बोल सकते हैं, देखा भाई मैंने कहा था ना, देखा भाई फॉरनर्स ने प्रेडिक्ट किया था ना, देखा भाई ऐसा होगा। देखो यार, फॉरनर्स ने बस बनाया था थ्योरी, और एक चीज बता देता हूँ, इतने सारे थ्योरीज गलत हुए हैं ना भाई। कौन बोल रहा था हनुमान निकलेगा, कौन बोल रहा था सन वू कॉन्ग निकलेगा, बट कुछ निकला नहीं। सीधे ओडा ने बोला अबे निका उसका मॉडल है और ये हितो हितो नोमी है, ना कि सोरा सोरा नोमी है। प्लस मैं एक और डाउट तुम्हारा क्लियर करना चाहूंगा, ये जो नया फॉर्म हमें लूफी का देखने को मिला है गियर 5, ये डेविल फ्रूट का अवेकनिंग नहीं है। अब तुम बोलोगे कैसे, यहाँ पर कहीं पर भी लूफी ने अवेकनिंग नहीं बोला है। हाँ वो बात अलग है, इसने चैप्टर के एक पैनल में बोला दिस इज माई पीक, दिस इज गियर 5। एक बात तुम मुझे बताओ, अगर यही अवेकनिंग गियर 5 यही फाइनल है, तो फिर यार फ्यूचर में लूफी को ओडा क्या पावर अप देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्लस हो सकता है यहाँ पर लूफी अपने गियर्स की बात कर रहा होगा, इस चीज को तुम जरा समझो। हो सकता है हमें फ्यूचर में लूफी का और कोई नया गियर देखने को ना मिले, बजाय इसके कि हमें फ्यूचर में लूफी का अवेकनिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी हमें अवेकनिंग जैसा चीज यूज होते हुए नहीं दिखा है। हाँ वो बात अलग है, पीक बताया गया बट अवेकनिंग वगैरह ये सब चीज नहीं बताया गया। प्लस मैं ऑफिशियल मांगा चैप्टर आने का वेट करूंगा, जब तक ऑफिशियल में अवेकनिंग नहीं लिखा जाता मैं यकीन नहीं करने वाला। वैसे यहाँ पर वन पीस के जितने भी फैंस हैं, जो लोग मांगा रीडर्स हैं, अब उन लोगों को लगने लग सकता है कि भाई काइडो अब गंदी तरह से हारेगा। देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लूफी जिस हिसाब से नया फॉर्म में आया है, नो डाउट यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। भले ही देखने में थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है, बट कुछ भी बोलो यार, नो डाउट बवाल है ये वाला फॉर्म, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई। काइडो को जिस तरह से उसने पकड़ के ऊपर ले गया, घुमाया, इधर उधर पटका, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। बट क्या ये फाइट का एंड है? मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज अभी जो है काइडो का अवेकनिंग देखना बाकी है। मैं देखना चाहता हूँ भाई स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड का अवेकनिंग, क्या तुम लोग नहीं देखना चाहते हो? भाई मैं चाहता हूँ ना उन दोनों का जो फाइट हो ना, अगर फाइट का एंड हो ना भाई, दोनों बवाल तरीके से फाइट करें। ऐसे फाइट ना करें जैसे अभी तक वानों का इतिहास रहा है, कि भाई ठीक है जैसे सांजी ने क्वीन को हरा दिया, जोरो ने किंग को हरा दिया। मैं इस टाइप का फाइट नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ भाई काइडो भी अब और ज्यादा सीरियस में आए, और ज्यादा चौड़ में आए, वो भी अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग करे, और उन दोनों के बीच में फाइट हो, और काफी जबरदस्त तरीके से फाइट हो। और जिस हिसाब से भाई लूफी ने अपना कॉन्कर हाके ब्लास्ट किया, जिस हिसाब से भाई काइडो के जो सोल्जर थे वो लोग भी बेहोश हो गए, मतलब साफ साफ यार इस बार कोई कबाब में हड्डी नहीं आएगा। अच्छा देखो, मैं इस चैप्टर में ना हायोरी और ओरुची वाला कांड पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज उस पर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे, तुम लोग मांगा चैप्टर जाके रीड कर लो। मैं यहाँ पर बस अपने थॉट्स बता रहा हूँ। अब मैं आना चाहूंगा एक सवाल की तरफ, क्या लूफी जॉय बॉय है? जिस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये हम गारंटी से नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी यहाँ पर, भाई मोमोनोसुके ने तो बोला लूफी इज जॉय बॉय, तुम वहां पर नेक्स्ट पैनल पे भी गौर करना,
जब यामाटो कहती है जुनेसा सैड दैट, वहाँ बगल में क्वेश्चन मार्क भी था, मतलब वो पूछी है मोमोनोस्के से क्या जुनेसा ने बताया कि लूफी जॉय बॉय है। भाई लूफी जॉय बॉय है या नहीं है ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुआ, बट एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, हमारा एक थ्योरी सच हुआ है, तुम ये वाला मेरा थ्योरी जाके देखो, ये वाला थ्योरी जो है सच हुआ है। जो बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि जॉय बॉय एक टाइटल है वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, भाई निका जॉय बॉय ये सब चीजें ना मांगा चैप्टर में ओडा ने बढ़िया से बता दिया, अगर ध्यान से पढ़े हो तो तुमको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा जब मैं और एक बार जॉय बॉय या फिर निका पे वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत जल्द वीडियो आएगा जहां पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ये सारी चीजें तो होगी यार, अब मैं थोड़ा बात करता हूँ लूफी के नया फॉर्म से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर तुम ना जरा गौर करना, लूफी का सर में ना आग जल रहा है, ये सन गॉड निका का ही एक पावर है। ये जो बहुत सारा जो सवाल भाई तुम लोग जो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर करके पूछते थे कि भाई लूफी रेड हॉक कैसे यूज कर पाता है, यही है भाई, वो सन गॉड निका का ही पावर है, आई मीन वो डेविल फ्रूट का पावर है। ये जो चैप्टर ना बहुत ज्यादा औसम था, ये स्पेशल चैप्टर है यार, इसको हम रेटिंग देके इसकी तौहीन नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो चैप्टर था वो 10 out of 10 से भी ऊपर चल गया। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा यार डाउट होगा, बहुत ज्यादा चीजें होंगी जो कि आगे हमें रिवील होंगी, इस पे नो डाउट यार, बिकॉज ओडा हमें कभी भी प्लॉट होल देके नहीं छोड़ता है, ये याद रखना, उन सब चीजों के बारे में वो बताएगा फ्यूचर में, तो उस चीज के लिए यार वेट करो। प्लस वीडियो पसंद आया तो तुम्हारा मन यार लाइक मारना मारो, नहीं मारना मत मारो, और अगर तुम वन पीस के वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये चैप्टर से रिलेटेड मैं बात करना चाहता था, जो जो चीजें मेन चीजें हुई है, बिकॉज मैं इसके ऊपर और एक बार डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं लूफी के नए फॉर्म से रिलेटेड बातें करूंगा, वो गोरोसे के कन्वर्सेशन से रिलेटेड बातें करूंगा, जो वीडियो बहुत जल्द आएगा। फिलहाल के लिए यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय।